दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दे देती हूँ इलेक्शन से जुड़ी। दमोह से सबसे बड़ा अपडेट, विधायक जयंत मलैया ने अपना मतदान कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। सर्वप्रथम लाइन में लगकर उन्होंने मतदान किया, सेंट नॉवेट स्कूल मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला। विधायक ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। जयंत मलैया पीठासीन अधिकारी पर नाराज भी हुए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देर से मतदान शुरू हुआ, तो उसको लेकर उनका थोड़ा सा नाराजगी वाला व्यवहार भी जो है लोगों को देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले मतदान किया और उसके बाद लोगों से अपील की कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। तो क्या कुछ कहा जयंत मलैया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली बार आए तो ये अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर पहले से लाइन लगी हुई थी, लोगों में उत्सुकता है मतदान करने की, इससे लगता है और ये अच्छा साइन है। मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है, निवेदन है कि अपने अपने घरों से निकलकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाके ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान। चलिए नितेश का रुख करना चाहूंगी। नितेश, अगर इन 8 सीटों की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बीजेपी की बात करें, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ, तो वहीं इंडिया अलायंस ने भी जो है अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हालांकि प्रचार प्रसार का सिलसिला देर से शुरू हुआ। ऐसे में क्या लगता है किस तरह से समीकरण यहाँ पर बैठ रहे हैं, हवा का रुख किस तरफ है? जी देखिए, जैसे कि प्रचार की बात आपने की, तो निश्चित ही जो सत्ता में पार्टी होती है उसके प्रचार निश्चित ही ज्यादा व्यापक स्तर पर होते हैं क्योंकि वो समय से सत्ता में है, और जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं तमाम जो उनकी बातें रहती है, तमाम वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करते रहते हैं, और जो टिकट की घोषणा भी हुई है वो थोड़ी सी देर में हुई, तो इसके प्रचार में निश्चित ही विलम्ब हुआ। समीकरण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, सीटों में निश्चित ही कमी आ सकती, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बीजेपी को क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान है। तो इससे बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान तो दिखता नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये है कि सीटों में जो कमी है वो निश्चित ही आ सकती है, क्योंकि कुछ जगह पर मतदाता नाराज है। और हम आपको एक बात यहाँ भी बता दें, और ये बात समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सभी पर लागू होती है कि रैली में आने वाली भीड़ आपका मतदाता नहीं है। अगर आप उसे अपना मतदाता मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि वो आपका वोटर है, तो निश्चित ही आप पहले ही अपनी हार के किले गढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो मतदाता होता है वो साइलेंट होता है, वो जाकर चुपचाप मतदान पर अपना बूथ करता है और वही अपने जो पसंदीदा नेता होते हैं उनको आगे लेकर आता है। जी बिल्कुल। नितेश बने रही हमारे साथ मथुरा से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है हाल मथुरा में। विष्णु, अगर हम मथुरा की बात करें, देखिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हेमा मालिनी को एक बार फिर से यहाँ पर टिकट दिया गया है, बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया, फिर से चुनावी मैदान में है और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट वाली ये सीट है। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और अभी फिलहाल आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? विष्णु, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। नितेश का रुख करना चाहूंगी। नितेश, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, आज दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और अगर हम सारी ही सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों की, तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, एक तरफ राजनीति तो गर्म हो ही रही है लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में लोग धूप में गर्मी में मतदान करने जाएंगे, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी साफ तौर पर इसके लिए बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ भी किया था और ये जानकारी भी दी थी कि जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर शील की व्यवस्था अवश्य की जाए, और खासकर ऐसे मतदाता जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, अगर वो बूथ तक आ रहे हैं। हालांकि हम आपको यहाँ पर एक व्यवस्था और भी बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि जो ऐसे वोटर हैं जो चलने में असमर्थ हैं या अत्यधिक बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उनके घर तक जाकर उनसे वोट उनका दर्ज कराया जाएगा,
उन्हें मतदान केंद्र तक आने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर वो वहां पर आ जाते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो, वहां पर सीट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था और चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। और निश्चित ही कहीं ना कहीं ये असर तमाम बूथों पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमारी टीम उत्तर प्रदेश भ्रमण पूरा कर रही है, तो जहां भी पहुंच रही है वहां से यही सामने चीजें आ रही है कि निश्चित ही जो आयोग के निर्देश है उनका अक्षर से पालन किया जा रहा है। और चूंकि अभी का जो समय है, अभी धूप इतनी तेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी मतदान केंद्रों पर भीड़ अच्छी आ रही है और निश्चित ही एक उम्मीद जताई जा रही है कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितेश, और तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बात की, 8 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि एक और एनडी अलायंस तो दूसरी ओर बीजेपी की कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाएंगे, उसके बाद फिर हाजिर होंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ और बात करेंगे सीटों के बारे में, वहाँ पर हो रहे मतदान के बारे में, माहौल के बारे में और वोटर्स के बारे में। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्दी हाजिर।